From a height h unit, a man observes the angle of elevation as alpha and the angle of depression as beta of the top and bottom respectively of a tower of height h. To what further height should he climb so that the values of angle of elevation and angle of depression get interchanged for the top and bottom of the tower? आइए इस क्वेश्चन को देखें। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में, जो हमें बहुत हेल्प करती हैं। क्या है वो देखते हैं। अगर जैसे कि अगर ये हाइट हमें h दिया और एंगल अल्फ़ा दिया हो, तो ये हमारा डायरेक्टली क्या निकल जाता है, h cot अल्फ़ा, और ये हमारा हो जाता है h cosec अल्फ़ा। सिमिलरली अगर ये a दिया हो एंगल अल्फ़ा हो, तो ये हमारा a tan अल्फ़ा होता है और ये हमारा a sec अल्फ़ा होता है। सिमिलरली अगर ये हमें एंगल अल्फ़ा और ये b दिया हो, तो हमें ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम b cos अल्फ़ा, ये b sin अल्फ़ा। ये हमें आगे बहुत हेल्प करता है बहुत से क्वेश्चन में, जहाँ पे tan अल्फ़ा h इक्वल टू cot अल्फ़ा sec अल्फ़ा कुछ ऐसा प्रूव करना होता है वहाँ के लिए। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दो सिचुएशन दी हुई है। पहले सिचुएशन में बोल रहा है अगर ये h हाइट पे से देख रहा है एक टावर को, जिसकी हाइट बड़ी h है, तो ऊपर का जो ये इसको देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अल्फ़ा होता है और नीचे जो होता है ये बीटा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेकेंड केस में क्या होता है, यही एंगल इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जब अगर एक्स दूरी अगर ऊपर वो चढ़ता है, ठीक है, यहाँ से अगर एक्स ऊपर चढ़ता है, तब क्या होता है, ये एंगल इसका बीटा हो जाता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना हो जाता है, अल्फ़ा हो जाता है। और ये हाइट बिल्डिंग की सेम है, तो अब ये एंगल, तो अब ये कितना हो गया h प्लस एक्स, मतलब हाइट x चल गया, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी h प्लस एक्स। तो अब यहाँ से देखते हैं अगर ये h है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस h, तो ये कितना होगा यहाँ से हम देखेंगे तो h cot बीटा, और ये कितना होगा हमारा h माइनस h cot अल्फ़ा, यहाँ से जो मैं बताया हूँ। और यहाँ से अगर देखें तो अब ये कितना होगा h प्लस एक्स cot अल्फ़ा, और ये कितना होगा हमारा h कैपिटल h माइनस एक्स cot बीटा। क्यों, क्योंकि ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी h माइनस h प्लस एक्स, तो इसलिए ये h माइनस एक्स cot बीटा। अब ये दूरी बराबर है, यहाँ से अगर हम cot अल्फ़ा और cot बीटा का रेशियो निकालें और दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, अगर यहाँ से cot अल्फ़ा cot बीटा, तो यहाँ से देखें अगर ये और ये बराबर करते हैं, तो h माइनस h cot अल्फ़ा इक्वल टू h माइनस एक्स cot बीटा। तो यहाँ से cot अल्फ़ा अपन cot बीटा क्या आ गया, h माइनस एक्स अपॉन h माइनस एच। सिमिलरली अगर ये और ये बराबर रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, h cot बीटा अब इक्वल टू h प्लस एक्स cot अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या मिलता है, cot अल्फ़ा अपन cot बीटा अगर हम निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, h अपॉन h प्लस एक्स। अब यहाँ भी ये और ये भी ये, तो अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखें तो हमें क्या मिलेगा, h माइनस एक्स अपॉन h माइनस एच इक्वल टू h अपॉन h प्लस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं तो क्या होता है, पहले ऊपर प्लस होता है फिर यहाँ नीचे माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा h माइनस एक्स प्लस h माइनस एच अपॉन h माइनस एक्स माइनस h माइनस एच। सिमिलरली इस साइड भी वही होगा, h प्लस एक्स नीचे h माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 2h माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे, ये बचे माइनस एक्स, इक्वल टू ऊपर 2h प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो यहाँ से x और x कट गया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें 2h माइनस 4h इक्वल टू 2x। यहाँ से अगर x को इधर ले गए हम तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया हमारा h माइनस 2h। यही हमारा क्या है, आंसर है।